अगर आपकी एज 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की हो चुकी है तो अब आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे ही अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आज मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, स्किप लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देंगे वो आपकी वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओटीपी फिल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर टैप करना है। यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ पर आप ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। आपका ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो यहाँ पर आप दूसरी बार ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंडियन सिटीज़न हैं, तो यहाँ पर हमें यस पर ही क्लिक रहने देना है और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ की एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो अगर आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर में अपलोड है पहले से तो यहाँ पर आप डिजी लॉकर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का डायरेक्टली फ़ोटो खींचकर कैमरा से अपलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो गैलरी से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैलरी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 21 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एज डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर आपको एज डिक्लेरेशन एक फॉर्म फिल करना होता है। तो वो फॉर्म क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर्म यहाँ पर ओपन कर लिया है जो कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर मैंने इसे फिल करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सन, डॉटर और यहाँ पर वाइफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने कौन से रिलेटिव का नाम देना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने वाइफ वाले ऑप्शन पे टिक किया है, यहाँ पर हमने उनके हस्बैंड का नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर आरओ में आपको अपना हाउस नंबर देना है और एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी विधानसभा का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पर आपका प्लेस यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप ये फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा। तो हमने अपना एज डिक्लेरेशन फॉर्म पहले से ही तैयार करके रखा है,
अगर आपकी एज 21 साल से कम की है तो आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम गैलरी में जाएंगे और अपना एज डिक्लेरेशन फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्म को सेलेक्ट किया, यहाँ पर फॉर्म भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपलोड पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्टली कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और आप चाहे तो गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नेम फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अपना नेम टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे ऐसे ही टच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका सरनेम टाइप करना है। सरनेम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सरनेम के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपके लोकल लैंग्वेज में आपका सरनेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, यहाँ पर आप चाहे तो एक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं पर यह ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल का। तो यहाँ पर अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप अगर विकलांग हैं तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे वो ऑप्शन, और अगर आप विकलांग नहीं हैं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने रिलेटिव का नेम यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने फादर नेम को टाइप कर सकते हैं या फिर मदर नेम या फिर अपने हस्बैंड का नेम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेटिव का नेम टाइप करेंगे, पूरा नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है, नेम एंड सरनेम यहाँ पर आपको दोनों ही टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन पे ऐसे ही टच करना है, तो यहाँ पर आपके लोकल लैंग्वेज में आपके रिलेटिव का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके रिलेटिव का वोटर आईडी नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप वोटर आईडी नंबर टाइप करेंगे। वोटर आईडी नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिलेशन टाइप का। तो यहाँ पर आपने जिस रिलेटिव का नाम दिया है वो आपका क्या लगता है यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। फादर मदर हस्बैंड अदर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर हम हस्बैंड पर टिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए एंटर योर करेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन है हाउस नंबर का। अगर आपको हाउस नंबर नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका हाउस नंबर आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। हाउस नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर हम नीचे वाले ऑप्शन पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हाउस नंबर भी लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका एरिया लोकेलिटी सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। अपना सारा एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ का, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट का, इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आप अपने पानी का बिल भी दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस कनेक्शन का बिल या फिर आप अपने एक साल पुराने बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर दे सकते हैं या फिर आप राशन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राशन कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड को पहले से ही तैयार करके रख लीजिए अपने गैलरी में या फिर आप डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैलरी से ऐड करने वाले हैं। राशन कार्ड हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम ओके करेंगे, यहाँ पर हमारा राशन कार्ड भी अपलोड हो चुका है, अब नेक्स्ट करेंगे। तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट डेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आज की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ एप्लीकेंट का। तो यहाँ पर आप जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेस टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप डन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाई जाएगी। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब आपने जो एड्रेस यहाँ पर फिल किया है उसी एड्रेस पर 10 से 12 दिन या फिर 15 दिन के अंदर ही आपका वोटर आईडी कार्ड आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड जो आएगा वो प्लास्टिक वोटर कार्ड आपके पास आएगा जो कि काफ़ी मजबूत होगा। सो इस प्रोसेस से आप अपने घर बैठे ही अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आपको 14 से 15 दिनों के अंदर ही आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा।